हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले सो दोस्तों, खबर किससे रिलेटेड है? तो टेलीकॉम। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ पे 5G का ऑक्शन होने वाला है। कब होने वाला है? आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत होने वाली 26 जुलाई से। सो इसीलिए अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल डेड लाइन के करीब अभी हम लोग आ चुके हैं। सो आने वाले 2 से 3 हफ्ते में इससे रिलेटेड शायद से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को प्रॉपरली न्यूज यहाँ पे बता देता हूँ। तो देख सकते हैं, अहेड ऑफ द 5G ऑक्शन विच कमेंस फ्रॉम 26 जुलाई, द गवर्नमेंट विल कन्वर्ट इट्स डेट इंटू इक्विटी इन वोडाफोन आइडिया। सो यहाँ पे सरकार ने क्या एक चीज बोल दी कि आप कितना भी कर्जा बनता है उतना ही हम लोग को इक्विटी यहाँ पे दे दो, कि सरकार यहाँ पे डियोपोली होना नहीं चाह रही है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश करे। वरना जियो एंड उसके बाद एयरटेल, ये अगर दो ही बड़े प्लेयर्स रहे तो मतलब वो अपनी मनमानी भी कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने के लिए। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस टेलीकॉम है, एंड अगर इस कंपनी को अगर जिंदा रहना है, इनको 25,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसी न्यूज आ जाती है, वोडाफोन आइडिया में हम लोग को बहुत अच्छी खासी तेजी भी शायद से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट इट इंटरेस्ट, कितना है, 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको ये इक्विटी में तब्दील करने की फिलहाल तो बात कर रहे हैं। एंड देख सकते हैं, इक्विटी विल बी नोटिफाइड टू द कंपनी एंड कंपनीज बोर्ड विल अकम्प्लिश दिस इन कमिंग 2 to 3 weeks। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का ये जो 16,000 करोड़ अटका हुआ है, वो अगर यहाँ पे देना है तो गवर्नमेंट को शेयर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। आफ्टर द इक्विटी कन्वर्जन, गवर्नमेंट को वोडाफोन आइडिया में मिलेगा 32% के शेयर्स, प्रमोटर से मिलेंगे। अभी प्रमोटर के पास कितने, 75% है। एंड उसके बाद हम लोग कह सकते हैं लगभग 50% के आसपास हम लोग को प्रमोटर के पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि 30% से ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इसकी होल्डिंग यहाँ पे जाने वाली, ये भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट पैरा की बात करें तो द कंप्लीशन ऑफ द फंड रेजिंग एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर द कंपनी इफ इट इन वांट टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पैसा तो चाहिए। आदित्य बिरला की बात करें तो उन्होंने पहले ही शुरुआत खुद से की, 4,500 करोड़ के आसपास उन्होंने खुद पहले इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया। एंड अभी बाकी का बचा हुआ 20,000 करोड़ कैसे आएंगे, कि कुछ यहाँ पे हम लोग को लेंडर्स देखने को मिल रहे, कुछ इक्विटी इन्वेस्टर देखने को मिल रहे, जहां से वो शायद से 10,000 करोड़ तक का भी अमाउंट यहाँ पे उठा सकते हैं। सो अगर गवर्नमेंट आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पे इनके पास एक छोटा सा उम्मीद का किरण है। सो यही देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। सो हमारे लिए यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनेगा कि अगर सरकार ने वोडाफोन आइडिया में कर्जे को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, तो बहुत ही अच्छा खासा राहत वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर भी फिलहाल तो ले सकतेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते।